नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं दी चौपाल। 23 जून 1985 दिन था रविवार। पूरी दुनिया के लिए रविवार का दिन आराम और सुकून का दिन होता है, लेकिन 23 जून 1985 वाला रविवार दुनिया का सबसे काले दिनों में एक गिना जाता है। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 बोइंग 747 प्लेन 307 यात्रियों और 22 क्रू मेंबर्स के साथ कनाडा के टोरंटो से चली। उस विमान का नाम था कनिष्क। कनिष्क भारत के महान राजाओं में से एक गिने जाते हैं जिनका साम्राज्य पश्चिमी चीन तक फैला हुआ था। उन्हीं के नाम पर एयर इंडिया ने अपने विमान का नाम रखा था कनिष्क। कनिष्क को लंदन होते हुए नई दिल्ली आना था, लेकिन ना तो कनिष्क दिल्ली पहुंच पा सका और ना ही उसमें बैठे 329 लोग। प्लेन लंदन पहुँचने ही वाला था तभी प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र साबित होने वाला है। अटलांटिक महासागर के ऊपर करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते प्लेन में तेज धमाका हुआ और आग के गोले में तब्दील प्लेन टुकड़े टुकड़े होकर आयरलैंड के समंदर में जा गिरा। विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो चुकी थी। हादसे में मारे गए कुल 329 लोगों में से 268 कनाडा, 27 इंग्लैंड, 10 अमेरिका और 2 भारत के नागरिक थे। साथ ही जहाज की क्रू में शामिल सभी 22 लोग भारतीय थे, वो भी मारे गए। बचाव दल को अटलांटिक महासागर से सिर्फ 131 लोगों के शव मिले। इसे इतिहास में कनिष्क विमान हादसे के नाम से जाना जाता है। इस हादसे से ठीक एक साल पहले भारत ने सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था। कनिष्क हादसा उसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला था। जब बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली तो लोगों को पता चला कनाडा का भी एक संगठन बब्बर खालसा के साथ मिला हुआ था। इस साजिश के पीछे जो शख्स था उसका नाम था एमके सिंह। दरअसल एमके सिंह को भी उस फ्लाइट में चढ़ना था, लेकिन वो चढ़ा नहीं, लेकिन उसका सूटकेस प्लेन में पहुंचा दिया गया। 45 मिनट बाद ही विमान को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरना था। कनिष्क विमान ब्रिटेन के समय के मुताबिक सुबह 8:16 पर अचानक रडार से गायब हो गया और विस्फोट के बाद विमान का मलबा आयरलैंड के तटवर्ती इलाकों में बिखर गया। एमके सिंह का आज तक कोई पता नहीं चल सका। कनिष्क हादसे के करीब 1 घंटे बाद उसी दिन जापान के नारिटा हवाई अड्डे पर भी एक बम धमाका हुआ। इस प्लेन को भी हवा में ही उड़ाने की योजना थी। इसके लिए लगेज में बम डालकर उसे चेक इन कराया गया था, लेकिन वो नीचे ही फट गया था। इस धमाके में एयरपोर्ट के 2 कर्मचारी मारे गए थे। कनिष्क हादसे की जांच 20 सालों तक चली और 20 सालों की जांच में सिर्फ एक आरोपी पकड़ा गया, इंद्रजीत सिंह रियात। रियात ने कनिष्क को उड़ाने के लिए डेटोनेटर, डायनामाइट और बैटरी खरीदी थी। रियात को 10 साल की सजा हुई। इसके अलावा झूठी गवाही देने के लिए 9 साल की भी सजा मिली। जांच में भी सामने आया कि इस हादसे की आशंका जताई गई थी और कनाडा की खुफिया एजेंसियों और पुलिस को सतर्क किया गया था, लेकिन उनकी नाकामी के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया।